जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति युवा संस्थान की ओर से 15वीं एयू जयपुर मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैराथन को अल्बर्ट हॉल के साउथ गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम शर्मा ने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और ड्रीम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बार खास तौर से भगवान श्री राम को समर्पित रहा, जिसमें खास तौर से जय श्री राम की टी शर्ट पहनकर हाथ में भगवा ध्वज लिए धावक जय श्री राम के नारे लगाते दौड़ते हुए नजर आए। इस मैराथन में 18 देश के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, वहीं 1 लाख से अधिक रनर्स मैराथन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैराथन आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को फिटनेस के लिए दौड़ लगानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। रनर्स को मोटिवेट करने के लिए सांसद रामचरण बोहरा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, पंडित सुरेश मिश्रा और अनुपम बर्तिया मौजूद रहे। वही फिल्म हिंदुत्व के स्टारकास्ट भी पहुंचे, जिनमें भजन सम्राट अनुप जलोटा, सिया के राम फेम आशीष शर्मा, एक्ट्रेस सोनारी का भदौरिया समेत अन्य स्टार्स शामिल रहे। मैराथन 5 कैटेगरी में हुई। इस बार मैराथन में 2 विश्व रिकॉर्ड भी बने। पहले जय श्री राम प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर दौड़ लगाकर बनाया, तो वही स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। यंग इंडिया, फिट इंडिया और एक खेलो इंडिया, इन सभी को लेकर के आप चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। आप हमेशा इस मैराथन में भाग लेते हैं, ऐसे उन सभी धावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये परंपरा युवाओं के लिए, आगे युवाओं को गति देने के लिए, क्योंकि आज का युवा जिस दिशा में जा रहा है आप हमेशा देखते हैं। मैं उन युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 15 साल की एक लंबी यात्रा और इस संस्करण में जब जब लगातार हर साल जयपुर के लोगों का जो जुड़ाव और बढ़ाव लगातार मिल रहा है, सबसे बड़ी बात फिटनेस के प्रति लोग अवेयर हो रहे हैं। और इस बार भगवान राम का जब मंदिर बना तो उसके बाद लोगों का मन था कि इस बार की मैराथन को भगवान राम को समर्पित किया जाए, और इसलिए इस बार जय श्री राम के नाम से जब मैराथन का आयोजन हुआ, इसमें लोग आप देख रहे थे जोश जुनून के साथ लोग आए। और सबसे बड़ी बात, 42 किलोमीटर की दौड़ में, 21 किलोमीटर की दौड़ में 18 देशों के लोगों का पार्टिसिपेशन, लाखों रुपए की कैश प्राइज इसमें दांव पर लगी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने आगे सुबह सुबह आज 1.5 घंटे रुक के गए और इस कार्यक्रम में पूरी तरह से उन्होंने लोगों को चीयर्स किया, अभिवादन किया, लोगों को कहा कि आप फिट रहें और स्वस्थ रहें। तो ये बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने आकर के लोगों को चीयर्स किया और लोगों को अभिवादन करके यही कहा कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो फिट रहो। देखिए, फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली कोविड के बाद। अगर आप देखेंगे तो सब लोगों की जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। मैं खुद भी काफ़ी एक्सरसाइज करता हूँ और मैं सबको, सारे युवाओं को, सब एज ग्रुप को बोलूँगा कि अपनी मसल स्ट्रांग रखें, और बुढ़ापे में भी अगर जाना है तो स्ट्रांग मसल्स के जाएँ तो एजिंग कम होगी। बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए भागना और कुछ एक्सरसाइज करना डेली। श्री हनुमान जी महाराज ने जब जब कोई कार्य प्रारंभ किया विजय पाने हेतु, तो जय श्री राम का नारा लगाया, और फिर उसी कार्य में हम सभी वैष्णव सनातनी जब किसी काम को प्रारंभ करते हैं तो जय श्री राम। इसलिए ये भगवान और जय श्री राम, ये हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक है, हमारी ऊर्जा का रंग है और जोश का मंत्र है। इसलिए क्या मैराथन हो, क्या देश के किसी भी क्षेत्र में सनातनियों का जोश हो, ये तो जय श्री राम और भगवान है, संपूर्ण भारत में नहीं अपितु अब तो बाहर भी इसका देखने को मिलता है।